नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं सरकारी लर्निंग पॉइंट एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2019 के एग्ज़ाम वो लगभग समाप्त हो चुके हैं दोस्तों, तो उसी के अनुसार एक सर्वे किया गया है। दोस्तों, इस सर्वे के अंदर 6300 स्टूडेंट्स ने भाग लिया। वह उनसे पूछा गया था दोस्तों कि आपने एसएससी एमटीएस 2019 परीक्षा में कितने प्रश्न सही किए। तो दोस्तों, इसके अंदर 6300 स्टूडेंट्स ने वोट किया। वह दोस्तों 80+ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 80+ स्कोर अपना मानते हैं, वो 33% स्टूडेंट्स हैं दोस्तों। और 76 से 80 के बीच जो सही मानने वाले स्टूडेंट हैं वो 12% स्टूडेंट्स हैं जो दोस्तों जो ये मानते हैं कि 12 हमारे 76 से 80 के बीच क्वेश्चन सही हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों 71 से 75 के बीच 15% स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने माना है कि हमारे 71 से 75 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 65 से 70 के बीच में 23% स्टूडेंट्स हैं जिनका मानना है कि 65 से 70 क्वेश्चन उनके सही हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 65 से नीचे वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी 17% संख्या है। तो दोस्तों विस्तार से जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों सर्वे के अनुसार यदि हम माने तो दोस्तों 80+ स्टूडेंट्स हैं वो 2080 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने अपने 80+ स्कोर बताया है। वो दोस्तों 756 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 76 से 80 के बीच स्कोर बताया है। वह 945 स्टूडेंट्स ऐसे थे दोस्तों जो 71 से 75 के बीच उन्होंने अपना स्कोर है जो माना है दोस्तों। इसके अलावा 1449 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 65 से 70 के बीच अपना स्कोर माना है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों 65- की बात करें तो 1071 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने माना कि 65 से कम उनके नंबर आ सकते हैं। तो दोस्तों इस स्कोर के अनुसार क्या कट ऑफ रहने वाले ये भी जान लेते हैं दोस्तों। दोस्तों इस सर्वे के अलावा यदि हम एग्ज़ाम के लेवल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट लेवल रहा है दोस्तों हर शिफ्ट के अंदर। तो दोस्तों हम कट ऑफ जान लेते हैं कि क्या कट ऑफ रहने वाली। यदि हम दोस्तों जनरल की बात करें तो जनरल के अंदर 74 से 78 नंबर यदि आपके बन रहे हैं तो आप एक सेफ स्कोर मान सकते हो दोस्तों। जनरल के अंदर 74 से 78 क्वेश्चन यदि आपके 100% एक्यूरेसी के साथ सही हो रहे हैं दोस्तों तो आप एक अच्छा स्कोर मान सकते हो अपना। इसके अलावा दोस्तों ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के अंदर 70 से 74 नंबर यदि आपके बन रहे हैं 100% एक्यूरेसी के साथ दोस्तों तो ओबीसी के अंदर एक अच्छा स्कोर मान सकते हैं यदि आपका 70 से 74 के बीच स्कोर बन रहा है। इसके अलावा दोस्तों एससी की बात करें तो 66 से 70 के बीच यदि आपका स्कोर है दोस्तों तो एक अच्छा स्कोर मान सकते हैं। एससी के लिए 66 से 70 के बीच कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है दोस्तों। इसके अलावा एसटी की बात करें तो 65 से 70 के बीच एसटी का कट ऑफ है वो रह सकता है दोस्तों। तो एसटी का कट ऑफ है वो 65 से 70 के बीच रह सकता है दोस्तों। वह एससी का 66 से 70 के बीच और ओबीसी का 70 से 74 के बीच और जनरल का 74 से 78 के बीच कट ऑफ रह सकता है दोस्तों। ये प्रिडिक्शन जो सर्वे है 6.3 के का उसके अनुसार किया गया है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो भी 80+ अपना स्कोर बता रहे हैं वो 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं बता रहे, उन्हें भी कुछ डाउट है कि उनके 80+ क्वेश्चन सही हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, अभी उनका एक संभावना है दोस्तों। तो इस अनुसार हम कट ऑफ माने तो 74 से 78 जनरल की हाईएस्ट कट ऑफ रह सकती है दोस्तों, इससे ऊपर नहीं होगी। दोस्तों हमने इस वीडियो के अंदर एसएससी एमटीएस 2019 एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात की। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद।